अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सुपर टेस्टी एकदम न्यू स्टाइल में डोनट्स की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये हम बगैर ईस्ट के बनाएंगे, बगैर डो के बनाएंगे, बगैर बेकिंग पाउडर के बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए जी, डोनट्स बनाने के लिए मैंने एक कप उबला हुआ दूध ले लिया। इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैं कोको पाउडर के डालूंगी। ये हम सबसे पहले चॉकलेट सिरप रेडी करेंगे डोनट्स के ऊपर लगाने के लिए। 2 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। इसको हम अच्छी तरह हैंड बीटर के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, पिसी हुई डालें या दूसरी डालें दाने वाली। उसको हम मिक्स करके सॉस पैन के अंदर डालकर फिर हम चूल्हे पर रखेंगे। इसको हम चम्मच हिलाकर मीडियम लो फ्लेम पे चॉकलेट सिरप को रेडी कर लेंगे। यकीन माने ये इतनी आसान तरीके से बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को बेहद ये पसंद आएंगे और आप हर बार इसी तरीके से डोनट्स बनाकर घर में रेडी करेंगे। इसमें ना तो आपको डो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी एज वगैरह की, ना बेकिंग पाउडर की, ना मैदे की। ये फटाफट से बन के रेडी हो जाएंगे। इतने ये इंस्टेंट बनते हैं हमारे डोनट्स के, बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, चॉकलेट सिरप हमारा पक गया। अब मैंने 1 चम्मच मक्खन लिया, ये इसके अंदर डालेंगे। इससे बहुत ही शाइनी सी लुक आएगी हमारे चॉकलेट सिरप में। ये देखिए जी, चॉकलेट सिरप हमारा रेडी हो गया। इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। इस पर ढक्कन दे के रखेंगे, खुला हम नहीं रखेंगे, नहीं तो इसके अंदर लम्स वगैरह बन जाएंगे। ये देखिए जी, आज मैं डोनट्स आपको ब्रेड से बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। जिसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। एक कोई भी इस तरह की कटोरी ले लें, कोई ग्लास ले लें, उससे हम इसको सेंटर में गोल शेप में कट कर लेंगे। जैसे हमारे डोनट्स होते हैं वैसे ही शेप इसकी कट करेंगे। ये बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। ये सारे मैंने कट कर लिए हैं। ये जो बाकी वाले, हम इनको किनारों को वेस्ट नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। कोई भी आप बोतल का ढक्कन ले लें और सेंटर से इस तरह कट कर लें। ये देखिए माशाल्लाह आ गई है ना हमारी डोनट्स की लुक। इसी तरह हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। ये जो मैंने चॉकलेट सिरप बनाया ये हम इसके सेंटर में लगा लेंगे। इसकी जगह पे आप कंडेंस मिल्क भी लगा सकते हैं, पीनट बटर भी लगा सकते हैं। दूसरे वाला भी ऊपर रखकर इसको हल्के हाथों से हम दबा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा इंस्टेंट डोनट्स बन के रेडी हो गया। सारे हम इस तरह बना लेंगे। ये रेसिपी तो बच्चों की फेवरेट बनने वाली है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, इसी तरह के मैं सारे बना के रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए जी, डोनट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हम 2 चम्मच मैदा लेंगे, 2 से 3 चम्मच हम भरकर मैदा लेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी स्लरी सी बनानी है, ना ज़्यादा हम थिक बनाएंगे ना ही ज़्यादा पतली बनाएंगे। स्लरी हमारी बन गई है। अब मैंने ये कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। ये हम डोनट्स स्लरी के अंदर डिप करेंगे
और साथ ही ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। याद रखिएगा, पहले ऑयल को अच्छी तरह हम गर्म करेंगे, फिर हम इसके अंदर अपने डोनट्स डालेंगे। इनको हम दोनों साइडों से प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे देंगे। यकीन माने जब आप ये घर में बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, तो ये आपने ब्रेड से डोनट्स बना के रेडी किए हैं। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दोस्तों में फैमिलीज में ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर किया कीजिएगा, ताकि हर कोई अपने घर में छोटी छोटी रेसिपीज बना के अपनी फैमिली को अपने बच्चों को खिला सके साफ़ सुथरे माहौल में। इसी के साथ जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। हम बहुत ही मेहनत से बहुत ही मुश्किल से इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज आपके लिए लेके आते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर कमेंट्स वगैरह करते हैं तो हमें बहुत ही हौसला होता है और हमारा दिल करता है हम बहुत ही अच्छी अच्छी और ज़्यादा रेसिपीज लेके आएँ आपके लिए। ये देखिए जी, माशाल्लाह डोनट्स बन के हमारे रेडी हो गए हैं। बस इसी तरह के हमें चाहिए, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। दूसरा बैच भी इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया, इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सारे डोनट्स बन के हमारे रेडी हो गए। ये मैंने जो चॉकलेट सिरप बना के रखा था ये हम लेंगे, इसके अंदर हम अपने डोनट्स को डिप करेंगे अच्छी तरह दोनों साइडों से। चॉकलेट सिरप हम गरम नहीं लेंगे, ठंडा करके ही इस्तेमाल करेंगे। सारे हम इसी तरह चॉकलेट सिरप के अंदर डिप करके रखते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है हमारे डोनट्स की। ये देखिए जी, सारे डोनट्स मैंने चॉकलेट के अंदर डिप करके रख लिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे प्यारा सा, ताकि हमारे डोनट्स की लुक बहुत ही यूनिक सी लगे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। ये थोड़े से स्पार्कल ले लें या फिर कोई भी बादाम या पिस्ता वगैरह भी ऊपर आप लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी। अब हम इसको ये ऊपर लगाकर इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि हमारी जो चॉकलेट सिरप है वो हमारे डोनट्स के अंदर अच्छी तरह कोट हो जाए, फिर उसके बाद ही हम सर्व करेंगे। यकीन माने ये ज़रा भी देखने से लग ही नहीं रहे कि ये ब्रेड से हमने बना के रेडी किए हैं। ये देखें, ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने डो से बना के रेडी किए हैं। इसी के साथ जनाब प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में फैमिलीज में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ब्रेड के डोनट्स की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।